तो अभी तो जितनी हम लोगों की बातचीत हुई है उसके बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बता ही दिया आप लोगों को। हम लोग सब लोग आपस में काफी बातचीत कर लिए हैं, एकजुट होकर के चलेंगे और हम लोगों की राय है कि पूरे देश में विपक्ष के अधिकांश लोगों की एकजुटता हो जाए और मिलकर चलेंगे। और अभी देश में जो कुछ भी हो रहा है समूचा हमारे पुराने इतिहास को बदलने की कोशिश चल रही है और आप सब लोग इतना लोग मीडिया के हैं तो आप सबको तो पता ही न है। अब आप लोगों को कुछ बताएंगे, आप थोड़ा बहुत लिखिएगा, यहां आ जाएगा, लेकिन बाद में सब चीज को दबा दिया जाता है। इसलिए तो आजकल जिस तरह से हो गया है सब पर कब्जा करके एक तरफा जिस ढंग से किया जा रहा है तो इस सब चीज को तो जानते ही न है। और पहले कितना एकदम आप लोगों को फ्रीडम था और कितनी अपनी बात कहते थे एक एक चीज को लेकर के, और आजकल होता है एक के पक्ष में बात होती है अब बाकी लोगों के खिलाफ में करने की बात होती है, तो ये सब तो बेकार चीज है। लेकिन हम लोग तो इतना ही कहेंगे कि हम लोग एकजुट होकर के देश का जो अपना इतिहास है उसको इधर उधर नहीं करना और समाज में एक दूसरे के साथ किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं पैदा करना, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी भी जाति के हो, किसी तरह का आपसी विवाद नहीं, सबको मिलकर के एकजुट होकर के चलना है और इस देश को आगे बढ़ाना है। आजकल कोई भी कुछ हो रहा है देश में विकास, लेकिन चर्चा खूब हो रही है, खाली ऐसे ही बात हो रही है। और कई लोग क्या क्या कुछ लोगों का इन्हें छपता है खूब, तो हम लोग थोड़े ही कुछ कहेंगे। हम तो आप सब लोगों के प्रति हम लोगों का बहुत अच्छा भाव है, लेकिन हम जानते हैं कि आप जिससे भी जुड़े हुए हैं उसमें से अधिकांश लोगों उन सब चीजों को यूनिट्स को किस तरह से लोग कब्जा करने की कोशिश करते हैं, सब चीज को ध्यान में रखते हुए अब तो सबसे बड़ी बात है। और कोई नाम ले रहा, आजादी की लड़ाई हुई तो उसके बारे में कोई चर्चा कर रहा है? आजकल जो बोल रहे हैं लोग अब 75वां साल मनाने का शुरू किए, तो ये पहला साल थे क्या? मैंने इनका नहीं, मान लीजिए कि हम लोगों का तो उम्र नहीं है, आजादी के बाद जन्म लिए हैं, लेकिन जिनसे रिलेटेड लोग हैं आप जरा बताइए ना क्या हाल था। तो इसीलिए इन सब चीजों को छोड़िए, पूरे देश के इतिहास को बदल देंगे और जितना सब कुछ हुआ है इसलिए बचाना है। और देश में इधर उधर कोई ना कोई प्रकार का बिना मतलब का विवाद पैदा करना है, तो इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए देश के हित में और सब बढ़िया से काम हो। अब यहां पर भी कितना काम कर रहे हैं हमारे साथी बताइए ना, लेकिन अपना इधर उधर करता रहेगा चारों तरफ। इसलिए हम लोगों की आपसी बातचीत पूरे देश में लोगों से हुई है और आज तो हम लोगों की बात ऐसे ही होते रहता था, लेकिन हुआ कि नहीं, एक दिन हम लोग आएंगे, आज हम लोग सब लोग बैठे हैं और बहुत अच्छे ढंग से अभी आपको बता दिए कि सब हम लोग एकजुट करके काम करेंगे और यहां पर झारखंड का भी विकास का और देश के विकास के लिए भी, सबके विकास के लिए हम लोग पूरे तौर पर काम करेंगे, मिलकर के चलेंगे। और हम लोगों का रिश्ता तो आप जानते न हैं जी, अपने पुराने लोगों से पूछ लीजिए, आप लोगों को देखिए कि हम लोगों का रिश्ता क्या है। ये झारखंड बिहार तो अलग हुआ 20 में, अलग बात है 2000 में, लेकिन बात ही सोचिए ना भाई, बाद में भी और पहले भी हम लोगों का कितना क्या रिश्ता है, कम हमेशा रहा तो हमेशा रिश्ता रहेगा, लेकिन अभी जो 3-3.5 साल से जब से कोरोना का दौर शुरू हुआ तब से ही आना जाना कम रहा है, लेकिन अब हम लोग फिर उसी तरह से एक दूसरे के सहयोग के लिए और आगे बढ़ाने के लिए हम सब चीज को इसमें हम लोग मिल करके काम करेंगे। आज यही हम लोगों की बातचीत हो गई है और हम लोगों का पूरा सम्मान है। इनके पिताजी से मेरा क्या, हमको कितना मानते थे, मेरा क्या रिश्ता रहा, ये आप लोगों को पता है ना जी। तो इसलिए जब बिहार झारखंड एक था,
और तब हमको पहला बार कौन बनाए मुख्यमंत्री, ये पिताजी ने बना दिए थे हमको कुछ ही दिन के लिए रहे, वो अलग बात, लेकिन तो हम लोगों का जो रिश्ता है शुरू से बहुत पौराणिक है और हम लोग मिलजुल करके काम करने करना चाहते हैं और करेंगे और देश के हित में भी काम करेंगे, अपने राज्यों के हित के साथ साथ देश के हित में काम करेंगे, वही सब हम लोगों की खूब अच्छी बातचीत हुई है और हम सब लोग मिल करके, हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी आए हुए जानते हैं, इनके पिताजी जो थे, हम लोगों का जो संबंध पौराणिक एक साथ शुरू से, आज जो लड़ाई चल रही थी जेपी मूवमेंट तो क्या था, सब तो हम लोग एक ही ना थे जी, एक से कितना आते थे तो अलग हो गया, वो अलग बात है, उसके बाद भी तो हम लोग आते ही रहते थे एक दूसरे जगह, लेकिन इधर तीन चार साल से जो भी हुआ तब फिर हम लोग का रिश्ता उसी तरह से रहेगा और कोई नहीं, हम सब लोग तो एकजुट है, मिल करके काम करें, यही सोच करके हम लोग आए हैं, इसलिए आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं भाई, आप सब लोगों को भी बहुत बधाई, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि आप तो थोड़ा सा कुछ अभी करा दीजिएगा कि अच्छा हुआ है बातचीत, लेकिन बाद में पता नहीं क्या क्या शुरू करवा देगा, आप ही लोगों से कुछ इधर उधर, तो सबको छोड़िए ना, हम लोगों को उसकी कोई चिंता नहीं रहती, हम लोग को अरे अब बहुत अच्छा है, सब रहिए एकदम, हम सब लोग एक साथ मिलकर के चलने वाले हैं। आपके सवाल का मैं संक्षिप्त उत्तर देने की कोशिश करता हूं। कि आज जिस तरीके से इस लोकतांत्रिक देश की पहचान और देश का राजनीतिक व्यवस्थाएं हो, इस पर चर्चाएं चल रही हैं। और ये कहा जाए कि हम लोग अभी केंद्र सरकार के विपक्ष के राजनीति में की भूमिका में, आगे देश के अंदर कैसे विचारों को स्थापित किया जाए, बढ़ाया जाए, इस विषय पर चर्चाएं कई दिनों से प्रारंभ हुई पड़ी है, जो आपको ज्ञात है, वो चर्चा चलते चलते आज रांची तक पहुंची है और हम लोगों ने भी इस विषय पर एक संक्षिप्त चर्चाएं की है और मुझे लगता है इस चर्चा के बाद हम लोग इस विषय पर सबके साथ विस्तृत चर्चा करते हुए जो राजनीतिक विचार है उसको इकट्ठा करने के लिए हम लोग बहुत जल्द पुनः इस विषय पर बैठने की हम लोगों की कोशिश होगी और एक
जो सब लोगों के विचार हैं उसको कैसे हम एक समान विचार बनाए, इस विषय को आगे बढ़ाया जाएगा। और मैं समझता हूं कि हमारे गार्जियन आज हमारे सामने बैठे हैं, हम लोग तो बिल्कुल कहा जाए कि नए जनरेशन के राजनीतिक सिपाही कह सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं अभी हमें जाननी भी है, सीखनी भी है। और राज्य की क्षेत्रीय अस्मिता और देश की एकता कैसे बने रहे, बचे रहे, हमें जरूर इसका मार्गदर्शन मिलेगा। तो कई सारी राजनीतिक चर्चाएं का कोई सीमा नहीं होता, बहुत उसका दायरा भी बड़ा होता है, लंबा भी होता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करूंगा। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और कुछ उसको ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।